आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। यूपी के हरदोई में अराजक तत्वों के माहौल खराब करने की कोशिश का मामला सामने आया है, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों की सूझबूझ के चलते अराजक तत्वों के माहौल खराब करने की कोशिश नाकाम हुई है। दरअसल अराजक तत्वों ने एक मस्जिद के गेट पर जय श्री राम लिख दिया, जिसके बाद सुबह नमाज अदा करने पहुंचे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और मामले की सूचना पुलिस को दी गई। हालांकि इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी सूझबूझ का परिचय दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने और 24 घंटे में उन्हें खोज निकालने का आश्वासन दिया है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी खोजबीन में जुटी है। अराजक तत्वों के माहौल खराब करने की कोशिश का ये मामला हरदोई जिले के थाना सांडी इलाके के कस्बा सांडी का है। दरअसल कस्बा सांडी में मोहल्ला नवाबगंज के निकट बिलग्राम चुंगी पर स्थित तंजीम मस्जिद में आज सुबह जब लोग नमाज अदा करने मस्जिद पर पहुंचे तो गेट पर जो लिखा था उसे देखकर दंग रह गए। दरअसल गेट पर गेरुआ पेंट से जय श्री राम लिख दिया गया था। सूचना के बाद तमाम कस्बे के मुस्लिम समुदाय के लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत की और अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को आश्वासन दिया कि माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें 24 घंटे में खोज निकाला जाएगा। इस बारे में पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि अराजक तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की है, इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अराजक तत्वों की खोजबीन की जा रही है। संभव है कि किसी अराजक तत्व ने या फिर निजी स्वार्थ के लिए किसी व्यक्ति ने माहौल खराब करने की कोशिश की है। अभी तक कस्बे में गंगा जमुनी तहजीब से लोग त्यौहार मनाते चले आ रहे हैं। ऐसे में जो भी अराजक तत्व हैं जिसने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, CCTV खंगाले जा रहे हैं और उसकी तलाश की जा रही है। न्यूज 9 भारत के लिए हरदोई से मोहित शर्मा के साथ राजन कुशवाहा की रिपोर्ट। क्या कार्रवाई की जाए? ये थाना सांडी में कस्बे में मस्जिद में विगत रात्रि किसी समय किसी असामाजिक तत्व ने गेट पर कुछ लिख दिया था और कुछ दीवार पर पुताई भी कर पेंट भी लगा दिया था। इस संबंध में पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल उसको जो है साफ करा दिया गया है और मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में स्थानीय स्तर पर CCTV फुटेज वगैरह देखा जा रहा है और CBR और BTS आदि से भी तलाश किया जा रहा है किसने ऐसा किया है। जहाँ तक इसके किसने किया है या क्या इसके मंशा हो सकती है, इसके बारे में ये है कि विगत में अभी तमाम त्यौहार रहे हैं, सारे पर्व सांप्रदायिक सद्भाव से निकले हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई शरारती अथवा विक्षिप्त तत्व जो है अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसा काम किया है। शीघ्र ही इसको तलाश लिया जाएगा। क्या माहौल ख़राब करने के लिए ये सब कुछ नहीं किया? अब जब तक हम पकड़ नहीं लेते कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जैसा मैंने कहा कि विगत के सभी पर्व बहुत ही खुशहाली से वहाँ मनाए गए हैं, गंगा जमुनी तहजीब के हिसाब से मनाए गए हैं, तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि या तो कोई शरारती तत्व है या कोई विक्षिप्त तत्व है जिसको हम लोग तलाश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।